राहुल प्रियंका ने साझा वार किया तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत से अपने पुराने राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। यूपी में वोटिंग के बीच राम नाम की जाप फिर से शुरू हो चुका है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज, विनय कटियार, सुब्रमण्यम स्वामी ने तीसरे दौर की वोटिंग से पहले राम मंदिर का कार्ड चल दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम का ये नारा करीब 5 महीने पुराना है। पहली बार प्रधानमंत्री रावण दहन के लिए लखनऊ पहुंचे और चुनावों से पहले राम नाम गूंज उठा। जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी के उन्हीं नारों के 5 महीने बाद एक बार फिर बीजेपी को राम नाम की याद आने लगी है। यूपी ने अपने पहले 2 चरणों का मतदान कर दिया है। इन सबके बीच बीजेपी नेताओं की जुबान पर एक बार फिर राम राग है। फायर ब्रांड नेता विनय कटियार हो या साक्षी महाराज या फिर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्हें भरोसा है कि इस बार यूपी में कमल खिलेगा और अयोध्या नगरी में राम मंदिर बनकर रहेगा। तो हम कोई एक मुद्दा लेके नहीं चल रहे, हमारे एजेंडे में 14वीं भी राम मंदिर था, आज फिर राम मंदिर है। हमने फिर कहा है दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से रोक नहीं सकती है। भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए जो अड़चने हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। हमारी पार्टी ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है, सरकार बनते ही जो अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर करेंगे और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने ये सुनिश्चित करेंगे। मान लिया जाए कि चुनाव बाद राम मंदिर बनाने के लिए पार्टी मुहिम को तेज कर देगी और राम मंदिर चुनाव जीतने के बाद जरूर बन जाएगा, विश्वास दिलाएंगे आप यूपी की जनता को? विनय कटियार जब बात कह रहे हैं तो यूपी की जनता मानती है कि ये काम जरूर होगा और जरूर करेंगे हम इसको। वंस द कोर्ट सेज ओके नाउ वी स्टार्ट द हियरिंग देन इट विल टेक नॉट मोर देन 6 वीक्स एंड आई होप दैट बाय रामनवमी और दिवाली द टेंपल विल बी रेडी। मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की। यूपी में हो रही 2017 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई में वादों और इरादों के सहारे तमाम पार्टियों ने जनता की शरण में दस्तक दी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी हो या बीएसपी, विकास का मुद्दा तो सभी के एजेंडे में है, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी मंदिर मामले को नहीं छोड़ना चाहती। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की माने तो पत्थर तराशे जा रहे हैं। हम लोग राम भक्त हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने कहा दुनिया में किसी का बाप नहीं रोक सकता, अयोध्या में कार सेवा करेंगे कि प्रभु श्री राम का छोटा ही सही, त्रिपाल में ही सही, मंदिर तो हमने बना ही दिया, उसी दिन से